के रमण बिहारी के ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम है रमण बिहारी ठाकुर भगवान की जय श्री पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय आज सर्व संत हरि भक्तन की जय आज के आनंद की जय 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 श्री राधे ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर आनंद कंद सच्चिदानंद घन स्वरूप भगवान श्री रमण बिहारी आशुतोष अवधर दानी नील लोहित भगवान सदाशिव परमादरणे परम पूज्यपाद प्रातस्मरण तस्री गुरु सद्गुरुदेव भगवान समुपस्थित विप्रवृंद प्रभु प्रेमियों और चैनल के माध्यम से श्रवण करने वाले सभी भगवत भक्त सभी के चरणों में नमन करते हुए सबको जय श्री कृष्ण। कल हम लोगों ने कथा श्रवण किए थे कि सूत जी महाराज शिव पुराण श्रवण करने की विधि सुनाए। कल महात्मा की कथा हम लोगों ने श्रवण किए थे। सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, कहा प्रभु आप कोई ऐसी कथा सुनाओ क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता है, परम ज्ञानी है। इसलिए आप ऐसी कथा सुनाओ जिससे के श्रवण करने से तत्काल
नाशों की पापों की नाश हो जाए, निवृत्ति हो जाए। सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को भगवान शिव का ध्यान करते हुए और कहा, हे शौनक, हे महात्मा, आपने बहुत अच्छी प्रश्न किया है, बहुत सुंदर प्रश्न। और संसार के जीवों के हित में की, लोगों के हित में की, ये जो शिव पुराण की कथा है, भगवान शिव की अनुग्रह से, कृपा से जीव के समस्त पापों का शमन करते हुए और भगवान शिव के धाम को पठाता है, स्थापित करता है। मैं उसी कथा का वर्णन आपको करके श्रवण करता हूं। इस शिव पुराण को देखो, अगर आप देखें तो भागवत भी भगवान शिव ने ही श्रवण कराया, राम कथा भी भगवान शिव ने ही श्रवण पहले करवाया, और शिव पुराण भी सबसे पहले भगवान शिव ने ही नंद केश्वर को श्रवण करवाया। एक परंपरा है, श्रवण कराने और करने। शौनकादि ऋषियों को सूत जी कहते हैं, इस शिव पुराण भगवान शिव ने जब श्रवण कराया तो इसके 100,000 श्लोक, व्यास जी ने उसको संक्षेप करके 24,000 श्लोकों में इसकी रचना। भागवत का 18,000 श्लोक है, शिव पुराण की 24,000 श्लोक। इसके 12 संहिता शिव पुराण,
सबसे पहले संहिता का नाम है विश्वेश्वर संहिता, दूसरा है रुद्र संहिता, तीसरा है विनायक संहिता, चौथा है उमा संहिता, पांचवा है सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, छठा है एकादश रुद्र संहिता, सातवा है कैलाश संहिता, आठवा है संहिता में 10,000 श्लोक। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता और मातृ संहिता के उसमें प्रत्येक में 8,000 श्लोक। एकादश रुद्र संहिता में 13,000, कैलाश संहिता में 6,000, शतरुद्र संहिता में 3,000, कोटि रुद्र संहिता में 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता में 11,000, वायवीय संहिता में 4,000 तथा धर्म संहिता में 12,000। पूर्व काल में भगवान शिव ने जो इस पुराण के वक्ता के रूप में नंदिकेश्वर को श्रवण कराए, इस परम पवित्र पुराण में देखो सबसे पहले तीन वस्तु आती है, श्रवण, कीर्तन और मनन। श्रवण करो, कीर्तन करो और मनन करो। भागवत गुणानुवाद अपनी श्रवणेन्द्रिय से, एक बात आप विशेष रूप से ध्यान दें, ये जो हमारा शरीर है और शरीर में हर वस्तु का जो भगवान ने निर्माण किया, तो किसी न किसी प्रयोजन से, जैसे ये श्रवणेन्द्रिय दिए, नेत्र बनाए, नाशिका बनाए, रसना दिए, हाथ दिए, पैर दिए, तो इन सब का निर्माण परमात्मा ने किसी प्रयोजन विशेष कार्य के लिए इनको, जैसे केवल नेत्र दूसरे की बुराई देखने के लिए नहीं थी, नेत्र का प्रयोजन ही है। इन नेत्रों से
हम भागवत दर्शन करें। एक बार सूरदास जी से भगवान ने कहा कि बाबा आज मेरी इच्छा है आप कुछ मांगो। आप कुछ मांगो। सूरदास ने कहा अगर तू मुझे देना चाहता है तो मुझे ये दे कि तू मेरे सामने बैठा रहे और मैं तुम्हारे नामों का कीर्तन करता रहा और तू सुनता। भगवान ने कहा बाबा अरे ये क्या मांगा आपने। अरे आपके नेत्र नहीं थे आप नेत्र मांग लेते कम से कम संसार को देखते तो सही। उन्होंने कहा संसार को क्या देखना हमें संसार नहीं देखना हमें तो संसार को बनाने वाले को देखना। और उसको देखने के लिए नेत्र की आवश्यकता नहीं तो ये नेत्र की जो प्रयोजन है कागा शवतन खाइयो कागा शवतन खाइयो चुन चुन खाइयो मान दोने नामत खाइयो मोहि श्याम मिलन की आस। तो इसका प्रयोजन केवल दूसरे की बुराई देखने के लिए नहीं। दूसरा इस श्रवणेंद्रिय कान कल भी व्यासाशन से बताया गया था कि श्रवणेंद्रिय का उपयोग किसी की बुराई सुनने के लिए किसी की निंदा सुनने के लिए नहीं उठपटांग बातें सुनने के लिए नहीं इसका प्रयोग हम करें भागवत कथा भागवत गुणानुवाद श्रवण। कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि वाल्मीकि जी ने यही बात कही है जाति करण समुद्र समान कथा तुम्हार सरिस देही। हम इस श्रवण इंद्रिय के माध्यम से
भगवत कथा श्रवण करेंगे। तो वो कथा का जो है सो हमारे अंतःकरण में प्रविष्ट होगा। प्रविष्टे कर्णरंध्रेण, ये श्रवणेन्द्रिय के माध्यम। जब अंतःकरण में वो प्रविष्ट होगा तो हमारा समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और भगवान शिव से हमारा प्रेम हो जाएगा। तो ये श्रवणेन्द्रिय केवल केवल भागवत पुराणवाद श्रवण करने के लिए, श्रवण इंद्रिय से भागवत पुराणवाद श्रवण करो, हाथ से सेवा करो, नासिका से भगवान के चरणों का पुष्प तुलसी दल का सुवास लो, सुगंध लो, पैरों से भगवान की परिक्रमा करो और रसना जिह्वा से, केवल स्वाद के लिए लेने के लिए नहीं, केवल स्वाद के लिए नहीं, ये भागवत गुणानुवाद कीर्तन की, नाम संकीर्तन करो, नाम संकीर्तन अपनी जिह्वा के माध्यम से। अब एक बात आप ध्यान दें, नाम संकीर्तन क्यों कहा गया? कीर्तन का अभिप्राय है, अगर 10 व्यक्ति बैठा है अब हमको किसी को बुलाना, तो हम कैसे बुलाएंगे? अब इशारा करके अगर हम बुलाते हैं तो कैसे पता लगे? वो समझेंगे हमें बुला रहे, वो समझेंगे हमें बुला रहे, वो समझेंगे हमें बुला रहे। और अगर हम नाम लेकर के पुकारेंगे तो जिसका नाम होगा वही व्यक्ति तो आएगा। तो इसीलिए नाम संकीर्तन बार बार, जब आप नाम संकीर्तन करोगे बोल शंकर भगवान की, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम,
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरि नमः शिवाय Namah Shivaya.
कीर्तन। निरंतर उसका चिंतन, श्रवण मनन निधि ध्यासन जो कहा है, इसी बात पर एक बात आपको बता दूं कि कभी भी अपनी जिह्वा को व्यर्थ में बैठने मत। क्योंकि समय का कोई पता नहीं, काम करते रहो नाम जपते। तू 24 घंटे आप भगवत नाम का स्मरण, खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते, गौरांग महाप्रभु इसी नाम संकीर्तन प्रचार किए और इसी नाम संकीर्तन के माध्यम से और तो और भगवान भोलेनाथ भी महामंत्र जे ही जपत महेश महामंत्र महामंत्र का स्मरण जप कर निरंतर। और यही नहीं, एक बात और ध्यान दें, भगवान शिव भी कथा श्रवण करते हैं, हम लोग आगे चल करके श्रवण करेंगे। एक बार कुंभज ऋषि पाए भगवान शिव को कथा बड़ा प्रिय है, भगवान शिव जैसे श्रोता और भगवान शिव जैसे भक्त, भगवान शिव श्रोता भी है और भगवान शिव भक्ता भी। जब समय मिलता है, कोई सुनाने वाला मिल गया तो श्रवण करने लगते हैं, और कोई सुनने वाला मिल गया तो सुनाने लगते हैं। Thank you.
सुनते भी है और सुनाते भी। तो कथा के भगवान शिव बड़े प्रेमी है। आने का प्रसंग कि माता सती और भगवान शिव दोनों ही अगस्त जी के आश्रम में जाकर के कथा श्रवण किए। तो कथा के भगवान शिव रसिक भी है और नाम का भी भगवान शिव निरंतर महामंत्र जगत भगवान शिव ही नाम का आश्रय ले। तो कीर्तन निरंतर करते, श्रवण इंद्रिय से कथा सुनो, जिह्वा से भगवत नाम का कीर्तन करो। तो मेरे भाई आपको बता दूं, जब कीर्तन का आपको स्वाद आने लगेगा, नाम का स्वाद आने लगेगा, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, जब तक वो लॉलीपॉप के स्वाद नहीं लिया है तब तक उसे कुछ भी पता नहीं है। एक बार जीभ पे उसके लग जाए तो फिर बार बार वो लॉलीपॉप ही मांगता। तो नाम का स्वाद हमें नहीं आया है, हमने नहीं लिया है, इसीलिए हमको ये नाम कीर्तन अच्छा नहीं लगता। जब इसका स्वाद हमें प्राप्त हो जाएगा तब हमें भी रस आने लगेगा। और जब एक बार रस का रसास्वादन जीव कर ले तो फिर छूटता नहीं है। तो श्रवण इंद्रिय से कथा सुनो, रसना से नाम कीर्तन करो, हरेर नामैव हरेर नामैव हरेर नामैव के। और कलि काल में नाम संकीर्तन का तो बहुत ही महत्व है। कलियुग केवल नाम अधारा सुमिर सुमिर नर उतरे। तो इसलिए रचना से नाम संकीर्तन करो और फिर इसके बाद मनन करो। जो हमने श्रवण किया है एक बार एक सेठ जी की सत्संग के प्रति बड़ा प्यार था।
और वो किसी भी तरीके सोचते थे कि हमें सत्संग श्रवण करने को मिल जाए। लेकिन उनको उनकी जो पत्नी थी उसको सत्संग में आने जाने में रुचि नहीं थी। लोग कहते हैं ना, अरे क्या करना सत्संग में जाकर के, वही बात वही बात वही कहानी वही कथा, क्या करना चाहिए, समय नष्ट करना। अब आप सत्संग में आओगे, घंटा दो घंटा बैठोगे, तो पहली बात तो आने में ही आपको दो घंटे दिल्ली के ट्रैफिक में लग जाएंगे, फिर दो घंटे आकर के चार घंटे यहां बैठे, फिर यहां से आप घर जाएंगे तो समय लगेगा। अब इतना समय का दुरुपयोग करे क्या फायदा। और दूसरी बात कहेंगे भी क्या, वही पुरानी। तो सेठ जी कुछ जहां भी कथा का सुनते थे कि फलाने जगह पर कथा का आयोजन हुआ है तो वो चले जाते थे, लेकिन सेठानी कोई पसंद नहीं। सेठानी कहती कहां जाते हो, तो सेठानी से सेठ जी झूठ बोलते थे। जाते थे तो कथा में, लेकिन कहते थे कि नहीं मैं फलाने काम से गया हूं फलाने काम से गया हूं। सेठानी एक रोज सोचने लगी, रोज रोज कहां चले जाते, आज मैं इनको पकड़ू तो सही, देखूं तो सही, कहां जाते कहां। तो एक रोज सेठ जी कथा के लिए निकले, पीछे पीछे सेठानी चलती। कथा में पहुंचे, कथा प्रारंभ हुआ, कथा श्रवण किए, विश्राम हुई, सेठ जी भी प्रसाद लिए और प्रसाद लेकर के निकलने लगे तो सेठानी सामने खड़ी हुई। क्या हमसे झूठ बोलते थे ना कि मैं कथा में नहीं जाता हूं, ये क्या है, आज पकड़े गए ना तू। सेठ जी ने कहा, अरे भाग्यवान, मैं कथा में तो जरूर आता हूं लेकिन कथा की कोई बात अपने साथ लेकर के नहीं जाता घर तक, मैं अपने कपड़े को यहीं झाड़ लूं। श्रवण करो, और श्रवण करने के बाद मनन करो, उसका चिंतन करो। कथा में ये बात कही गई तो क्यों कही गई, जैसे आप यहां से घर गए घर जाकर के और उसका आप काम कर रहे हैं और कथा जो आपने श्रवण किए हैं उसका चिंतन हो रहा है,
अब चिंतन हो रहा, काम भी हो रहा है, चिंतन भी चल रहा है और नाम भी कीर्तन भी चल रहा है। जब तीनों ही बस क्या है ये त्रिवेणी संगत, मनोन मंथन करो। जैसे दही को भिगोते न तो मक्खन निकलता, ऐसे ही जब आप चिंतन करके उसका मंथन करेंगे तो अमृतमय कथा के मनन और चिंतन करने से अमृत प्रकट होगा। इसलिए मनन सूत जी कहते हैं शौनक, जो जीव जो मनुष्य इस प्रकार से प्रयत्न पूर्वक श्रवण भी करता है, कीर्तन भी करता है और मनन भी करता है, उसे बिना प्रयत्न के ही उसे मोक्ष मिल जाता, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती। इसलिए निरंतर जैसे और भी अन्य साधन है, मुक्ति का, लेकिन हर साधन हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं है, लेकिन ये तो बहुत सरल साधन है। अगर ऐसा सरल साधन आप बताओ पूजा करोगे उसमें पैसा लगेगा? एक अगरबत्ती लाओगे तो भी पैसा चाहिए, फूल लाओगे तो भी पैसा चाहिए, प्रसाद लाओ उसके लिए भी पैसा चाहिए, फल लाओ उसके लिए भी पैसा चाहिए, रोली लाओ उसके लिए भी पैसा चाहिए। लेकिन कथा श्रवण के लिए या नाम कीर्तन के लिए या मनन करने के लिए तो पैसा खर्च करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। जहां सत्संग मिले सत्संग, अरे यहां तक कहा गया शास्त्रों में क्योंकि तो चलो निरंतर हमें सत्संग उपलब्ध नहीं हो पाता है तो अपने आप से सत्संग करो। मणिराम को खाली मत बैठने दो, काम कर रहे हो नाम जपो, मन इससे थोड़ा सा थक जाए तो सदग्रंथ का स्वाध्याय करो, कहीं सत्संग मिल जाए सत्संग करो, इन सब से भी उपरामता हो जाए तो एकांत में बैठ करके अपने आप से सत्संग करो। ऐसा सुगम उपाय
कोई दूसरा नहीं। इसलिए हे शौनक निरंतर कहते हैं इसके लिए योग्य गुरु चाहिए। देखो हमने कोई वस्तु श्रवण की, श्रवण करने के बाद हमारे मन में किसी प्रकार की शंका उत्पन्न हो गया। अब हमारे मन में शंका उत्पन्न हो गया तो उस शंका का निवारण कौन करता है? और कहते हैं संशय आत्मा विनश्यति। मन में अगर कोई शंका हो तो उसकी निवृत्ति अवश्य कर लेना चाहिए। शंका अपने मन में मत रखना, लेकिन शंका का निवारण कौन करेगा? जो योग्य होगा, जो उसको जानता होगा, वही तो करेगा। जो शिव तत्व को जाना ही जानता ही नहीं है, वो क्या बताएगा कि शिव तत्व क्या है? शिव नाम क्या है? इसलिए गुरुमुख से श्रवण करके शिव तत्व का, शिव रूप का, शिव स्वरूप का दर्शन करें। उनके गुणानुवाद का रसानुभूति करें। यही जीवन की सार्थकता। इसलिए हे शौनक अगर मोक्ष की कामना है शिवलोक की कामना है तो भगवान शिव का मूर्ति हो या शिवलिंग उसका रोज पूजन करें। मन को जैसे भागवत में भी माता देवहूति को भगवान कपिल ने कहा है यम नियम आसन प्राणायाम इन सब चीजों से पहले हम शुद्धि करते हैं। जैसे पहले आचमन किया, फिर आसन शुद्धि किए, प्राणायाम किए,
तो इन सब करने के क्यों करते, इसलिए अपने मन को स्थिर करके शिव में के चरणों में हमारा मन लग जाए। फिर उसका पूजन करके भक्ति भाव पूर्वक उसकी पूजन करना चाहिए। जैसे होता है कि पहले अर्घपाद इत्यादि दे करके ध्यान करके फिर अर्घपाद दे करके फिर स्नान करा करके वस्त्र धारण करा करके पुष्प माला इत्यादि धारण करा करके नैवेद्य भोग लगा करके भगवान शिव को अर्पित करे अनिष्काम भाव से। देखो पूजा भी दो तरीके का होता है, एक निष्काम और एक सकाम। आगे चल करके हम लोग पूजा के विषय में श्रवण करेंगे, लेकिन इतनी बात आप समझ लें, किसी कामना को लेकर के हम भगवान की पूजा कर रहे हैं। जैसे हमें कोई वस्तु चाहिए और हमने उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए और भगवान की पूजा की, तो ये तो सकाम हो गया। और हमें कुछ नहीं चाहिए, भगवत प्रत्यर्थ, केवल भगवत कृपा प्राप्त हो, भगवत अनुग्रह प्राप्त हो, इसके लिए जो पूजा की जाती है वो निष्काम है, किसी चीज की कामना।